हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एडवेंचर आइस पॉइंट पर। भारत के उद्योगपति और अरबपति गौतम अडानी के लिए साल 2023 की बेहद खराब शुरुआत हुई है। खासतौर पर बीते एक हफ्ते में गौतम अडानी अर्श से फर्श पर आ गए हैं। अडानी समूह के साथ ये सब कुछ अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हुआ। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद गौतम अडानी की दौलत और रैंकिंग में बड़ी गिरावट आई है। वहीं अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयर भी धराशायी हो गए हैं। इस रिपोर्ट की वजह से ही दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां और कर्ज देने वाले बैंक अडानी समूह से सवाल पूछ रहे हैं। अब समूह ने अपना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग यानी FPO को भी कैंसिल कर दिया है। आइए जानते हैं सिलसिलेवार 10 पॉइंट में कैसे हफ्ते भर में अडानी समूह की फिजा बदल गई। अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को 106 पेज की एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर स्टॉक्स के 85% तक ओवरवैल्यूड होने के आरोप लगाए गए। इसके साथ ही रिपोर्ट में अडानी समूह पर सेल कंपनियां बनाकर स्टॉक में हेरफेर और धोखाधड़ी करने के भी आरोप लगे। रिपोर्ट के बाद 25 जनवरी को अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के स्टॉक्स में गिरावट का दौर शुरू हुआ। ग्रुप की सभी लिस्टेड कंपनियों के शेयर भरभरा गए। इसके बाद 26 जनवरी को शेयर बाजार बंद था। इसी दौरान अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO के खिलाफ साजिश करार दिया। हालांकि यह सफाई बेअसर रही और 27 जनवरी को मार्केट ओपन होते ही एक बार फिर अडानी ग्रुप से जुड़े सभी स्टॉक्स रेंगते नजर आए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गुरुवार तक अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटल $100 बिलियन से अधिक स्वाहा हो चुका है। बीते 28 जनवरी को मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर अडानी समूह की सिक्योरिटीज पर फीडबैक मांगा। वर्तमान में गौतम अडानी समूह से जुड़ी 8 कंपनियां MSCI स्टैंडर्ड सूचकांक का हिस्सा है। 29 जनवरी को अडानी समूह ने 413 पन्नों का बयान जारी किया, जिसमें हिंडनबर्ग के सभी दावों का खंडन किया गया और इसे भारत पर कैलकुलेटेड अटैक बताया गया। इसके बाद हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी का बयान उसकी रिपोर्ट में उठाए गए अधिकांश सवालों का जवाब देने में विफल रहा। अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। समूह के शेयरों में बिकवाली के बीच एक सप्ताह में अडानी की व्यक्तिगत संपत्ति में भी काफी गिरावट आई है। वह अब एशिया के सबसे रईस का खिताब गवा चुके हैं। इसके अलावा शिखर के 15 अरबपतियों की सूची से भी बाहर हो चुके हैं। इस बीच अडानी ग्रुप का FPO 27 जनवरी को ओपन होकर 31 जनवरी को बंद हुआ। धीमी शुरुआत के बाद आखिरी दिन FPO फुल सब्सक्राइब हो गया। इस माहौल के बीच स्विट्जरलैंड स्थित निवेश बैंकिंग कंपनी क्रेडिट स्विज ने भी झटका दिया। क्रेडिट स्विज ने अपने निजी बैंकिंग ग्राहकों को मार्जिन लोन के लिए जमानत के रूप में अडानी समूह के ब्रांड स्वीकार करना बंद कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी ग्रुप इंक ने भी गौतम अडानी की फर्मों के समूह की सिक्योरिटीज को स्वीकार करना बंद कर दिया है। एक फरवरी को अडानी इंटरप्राइजेज ने FPO को रद्द करने का ऐलान किया। अडानी ग्रुप ने इसे नैतिक आधार पर लिया गया फैसला बताया। इसी बीच फोर्ब्स की रिपोर्ट में बताया गया कि अडानी इंटरप्राइजेज के FPO को मैनेज करने के लिए जिन 10 कंपनियों को रखा गया था उनमें तो ऐसी कंपनी भी हैं जिनका जिक्र हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट में किया गया है। अब RBI ने बैंकों से अडानी समूह के लिए उनके कर्ज और जोखिमों की डिटेल मांगी है। वहीं अडानी समूह का ये प्रकरण अब राजनीतिक रूप ले चुका है। संसद में विपक्षी पार्टियां अडानी ग्रुप के खिलाफ गोलबंद होती नजर आ रही हैं।
अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।